हाँ जी, तो जय श्री राम। मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पर आज की इस वीडियो में अपनी सफारी को हो चुके हैं पूरे 2 साल। हाँ भाई, 2 साल पहले अपन ने इस गाड़ी की डिलीवरी ली थी। और गाइस, डिलीवरी लेने का जो एक्सपीरियंस था और डिलीवरी लेने के बाद जो 2 साल मेरे निकले वो कैसे रहे, उन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन में से हर कोई पूछता है, भाई एक्सयूवी क्यों नहीं ली, तो उसका भी जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। लोग बाग काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, भाई टाटा की सर्विस ऐसी है वैसी है, टाटा की गाड़ियाँ ऐसी है वैसी है, सब चीज़ों के डाउट जो आपके हैं वो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि 2 साल मुझे इस गाड़ी को लिए हुए हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर अपन ने इस गाड़ी को चला लिया 42,000 किलोमीटर। मतलब आज की तारीख में अगर मैं आपको ओडोमीटर दिखाऊं तो ऑलमोस्ट अपन ने जो है इस गाड़ी के अंदर कर लिए हैं 41,809 किलोमीटर्स, जो कि ठीक है भाई, डिसेंट किलोमीटर्स अपन ने इस गाड़ी को चला लिया है। मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा चला लिया, ना ऐसे बोलूँगा बहुत ही कम चला है। ठीक है, जितना एक एसयूवी की रनिंग होनी चाहिए और एक डीजल एसयूवी की रनिंग होनी चाहिए ना, उस हिसाब से ठीक अपन ने चलाया, क्योंकि इसके अंदर डीजल के साथ साथ यूरिया भी डलता है। कई लोगों को ये डाउट था कि यार जो यूरिया आजकल डल रहा, जब मैंने गाड़ी ली थी ना उस टाइम पे लोग बाकी बोलते थे यार यूरिया डलने लग गया, पेट्रोल गाड़ी पे जाना चाहिए, अब तो रनिंग कॉस्ट बराबर हो जाएगी दोनों की। मैं आपको बताऊँ, सब एक स्कैम है। पेट्रोल एसयूवी लेने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको चलो परफॉर्मेंस तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है ना, और डीजल अधिकतर वही लोग लेते हैं जिनकी रनिंग ज़्यादा रहती है, तो आप भले यूरिया डलाना पड़े आपको, आप आग बंद करके डीजल के ऊपर ही जाओ। हालांकि 2027 के अंदर डीजल बंद हो जाएगा और डीजल एक टाइम पर ऐसी चीज़ हो जाएगी कि रीसेल वैल्यू डीजल की एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब अगर आज की तारीख में इस गाड़ी को मैं बेचता हूँ ना, तो वैसे ही टाटा की तो रीसेल वैल्यू आपको पता है भाई क्या अपन को देखने को मिलती है, बिल्कुल बदनाम है। साल भर बाद में मैंने इस गाड़ी को बेचना भी चाहता कि यार स्कॉर्पियो ले लेता हूँ, यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था मैंने वो, बट मतलब यार गाड़ी की रेट ही नहीं मिली। फिर यार 4-5 लाख रुपये का लॉस खा के बेचना तो कहीं से कहीं तक की कोई समझदारी बात मुझे लगी नहीं, तो इसलिए मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया था। हालांकि स्कॉर्पियो अगर देखा जाए ना तो इससे एक सेगमेंट नीचे ही मैं मानूंगा आज की तारीख में, हालांकि इससे बढ़िया परफॉर्मेंस वगैरह ऑफर कर देती है, सब चीज़ें बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रीमियमनेस है ना वो सफारी के अंदर ज़्यादा एनी डे अपन को देखने को मिलती है, इसमें कोई दोराई नहीं है। और अगर एक्सयूवी की बात करें तो भाई उस टाइम पर मैंने मेजरली 3 गाड़ियाँ देखी थी इस सेगमेंट के अंदर। ठीक है, मेरा पहले नेक्सॉन ईवी का प्लान था, पर यार 6 महीने वेट करने के बाद भी नेक्सॉन ईवी मुझे नहीं मिली, अपन शिफ्ट हो गए थे भाई एसयूवी की तरफ, जो अपन ऑलरेडी पहले सफारी ओन करते थे, फिर मैं सफारी की तरफ ही चला गया। तो सफारी में बैठ के देखा तो भाई बहुत ही प्रीमियम थी, उसका टॉप मॉडल की टेस्ट ड्राइव मैंने ली थी, हालांकि ऑटोमेटिक की टेस्ट ड्राइव उन्होंने मुझे दी थी, टाटा वाले मैनुअल की टेस्ट ड्राइव देते ही नहीं है, बहुत रेयर केस में आप मांगोगे तब देंगे, क्योंकि यार एक टाइम पे जो चलाएगा ना उसको पता लग जाएगा, वो बिल्कुल समझ में नहीं बैठता भाई मेरे तो। मतलब सेकंड गियर पे बंद हो जाना झटका खा के, मतलब ये आदत इसके पर्टिकुलर इस इंजन के साथ, जो फिएट सोर्स इंजन है 170 पीएस की पावर जनरेट करता है, 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, ये इस गाड़ी के साथ देखने को अपन को मिलती ही मिलती है एनी डे। फिर उसके बाद में क्या है कि ये सेम इंजन जो अपनी एम जी हेक्टर के साथ आता है, जीप कंपस के साथ भी आता है, जीप कंपस का थोड़ा सा ट्रैवल कम है इसलिए उसमें फील नहीं होता, और हेक्टर का जो है कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लच जो है हार्ड हो जाता है, लेकिन क्लच हार्ड होने के साथ साथ उसका ये रीज़न भी रहता है कि वो लोग रिप्लेस उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। टाटा के अंदर एक स्कैम है, टाटा वालों के पास आप कराने जाओगे ना, देखो इन गाड़ियों के जो क्लच प्लेट है इनमें प्रॉब्लम आती है आफ्टर 60,000 किलोमीटर या फिर 70,000 किलोमीटर चलने के बीच में मान लो, या तब तक अगर आप अच्छा चला रहे हो अच्छे तरीके से आप चला रहे हो तो 70,000 तक भी आपका जो है क्लच प्लेट चल जाएगी, अगर आप रफ यूज़ कर रहे हो तो 60,000 किलोमीटर 55,000 किलोमीटर इतने तक जो है इसकी क्लच प्लेट चलती है। एक राय आपको बिल्कुल देना चाहूँगा, जब आप इस गाड़ी को खरीदोगे ना तो आप खरीदने के जस्ट बाद ही, मतलब खरीदते टाइम में आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ले लेना, उस चीज़ में कोताही बिल्कुल मत बरतना। और दूसरी बात, अगर आप टाटा सफारी लेने का प्लान कर रहे हो तो ऑटोमेटिक में लेना, वरना थोड़ी टाइम में आपको चलाने का भी मन नहीं करेगा, ऐसा क्लच इतना हार्ड हो जाता है। जैसे 41,000-42,000 किलोमीटर के अंदर कंपैरेटिवली मेरा क्लच जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है जब मैंने डिलीवरी ली थी उस टाइम से, और हेक्टर का इनफैक्ट थोड़ा सा कम हार्ड होता है, हेक्टर का तो इससे भी ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन उसका क्या है क्लच फ्री में रिप्लेस कर देते हैं। इस गाड़ी के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी भी ले लोगे, जैसे 2 साल की वारंटी मिली थी मुझे और अब जो लेंगे उनको 3 साल की मिल रही है, हालांकि मेरी गाड़ी में तो कोई भी जो है इतने ज़्यादा एडवांस फीचर्स एडैश हो गया या टच स्क्रीन वगैरह हो गया वो कुछ अपन को देखने को मिलता है, मैं आपको दिखाऊँ एक बार चल के अंदर। ओके जी, तो यहाँ पर अपन को नॉर्मल स्पीड मीटर वगैरह देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ ये जो डिस्प्ले आपने देखी यहाँ पर ये भी एकदम नॉर्मल आपको देखने को मिलती है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर इसके अंदर नहीं है, 10 इंच वाली या फिर ऐसे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सोबर आपको
स्क्रीन मिल जाती है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आपको जो है इसके अंदर वायर्ड देखने को मिल जाता है। हालांकि रिवर्स कैमरा की बात करूँ तो ठीक आपको रिवर्स कैमरा इसके अंदर ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा बढ़िया विजन इसका देखने को नहीं मिलेगा। यही दो साल के अंदर लगभग दो बार अटका है, इसके अंदर दो बार अटकने की प्रॉब्लम आई है, इसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो जिस मुद्दे पे अपन बाहर बात कर रहे थे कि आपको गाड़ी लेते वक्त इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ले लेनी चाहिए, जैसे मैं आज भाई बिल्कुल पछता रहा हूँ, क्योंकि कई गाड़ियां होती है भाई जो रिलायबल 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद भी रहती है, 5 साल बाद भी रहती है। कई गाड़ियों के लिए अपन बोलते हैं इसका बुढ़ापा खराब है, जवानी में तो बढ़िया आपको परफॉर्मेंस वगैरह दे देगी, मजे दे देगी। कई होती है गाड़ियां जिनकी सर्विस खराब रहती है ना, आफ्टर सेल सर्विस एकदम कई कंपनियों की बिल्कुल पथेटिक है, ठीक है। बाकी ये गाड़ी ऐसी है सफारी जिसने मुझे इसके स्टार्टिंग डेज में परेशान किया, और अगर स्टार्टिंग डेज में इतना परेशान किया तो समवेयर अराउंड बुढ़ापे में तो भाई क्या ही करेगी। मतलब मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर इस गाड़ी के गाड़ी का एक बार हेड चेंज हो चुका है, ठीक है। मतलब एक कोई पार्ट रहता है इसका हेड का, इंजन हेड नहीं, एक दूसरा हेड एक रहता है, वो चीज़ चेंज हो चुकी है, जिससे गाड़ी के अंदर बहुत बुरी आवाज़ जो है क्रिएट हो गई थी। जैसे गाड़ी को आप रेव करोगे फर्स्ट गियर में भी सेकंड गियर में, तो बहुत बुरी ऐसे रोने की आवाज़ आती है गाड़ी की, मतलब भाई बेयरिंग बहुत ज़्यादा ऐसे आवाज़ करने लग गए थे। पीछे का मेरा व्हील हब का बेयरिंग चेंज हुआ है एक बार, पूरी गाड़ी का लॉक सेट खराब हो गया था, लॉक सेट चेंज हुआ है। तो ये चीज़ें ऐसी है जिनके बड़े मोटे बिल आ सकते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट इन गाड़ियों के पार्ट्स तो इतने महंगे महंगे, 2 साल के अंदर ये चीज़ें चेंज हो गई मेरी। और मतलब क्या है, टाटा वालों का एक शुरू से रहता है कि शुरू के 2 साल जब जब मेरी गाड़ी खराब हुई अंडर वारंटी उन्होंने सही करके दी, नो इशूज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो लोग बताते नहीं है भैया इशू क्या रहा है। तो सामने वाला सोचता चलो छोटी मोटी दिक्कत है गाड़ी में आ गई होगी, लेकिन भाई वो इशू धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता रहता है, और एक इशू के चक्कर में गाड़ी की 4 और चीज़ें खराब हो सकती है। बाकी क्या है कि फिर मैंने सोचा बीच में यार कि चलो एक्सटेंडेड वारंटी लेने का प्लान करता हूँ। तो यार इतनी ज़्यादा दिक्कत है, 3-4 मेजर प्रॉब्लम मेरी शुरू के 2 साल में आ चुके हैं, तो फिर सोचो आने वाले टाइम पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। अब इसी चीज़ की टेंशन में मैंने सोचा एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं, चलो मैं लेने गया। पहले 28,000 रुपये की दे रहे थे, मुझे पता चला कि अब मेरी खत्म होने वाली है, तो उसको कर दिया 32,000 या 33,000 रुपये के आसपास का। मैंने चलो ठीक है, एक्सटेंडेड वारंटी भाई मैं तो पूरी पढ़ा, मेरे साथ मेरा दोस्त दीक्षांत गया था, और वो भाई साहब कागज़ पत्र के अंदर बहुत पर्टिकुलर है, वो बहुत रिसर्च करके काम करता है, उसने पढ़ा। उसके अंदर ये चीज़ थी कि इसके अंदर मुझे पता है जो मेन प्रॉब्लम आने वाली है जिसका मोटा खर्चा आ सकता है, कि भाई मेरे अगर मैं एक्सटेंडेड वारंटी ले रहा हूँ, मुझे पता है 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं रखूँगा मैं गाड़ी, तो अगर मैं उसकी एक्सटेंडेड वारंटी ले रहा हूँ तो 36,000 रुपये क्या वसूल हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसी कोई इसके अंदर चीज़ नहीं है कि 36,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा आए, और अगर 36,000 से ज़्यादा का खर्चा आया तो फिर वो क्लच का खर्चा आएगा, जो क्लच का खर्चा इस गाड़ी का समवेयर अराउंड मैंने आपको बताया 55,000 से 60,000 किलोमीटर के आसपास आएगा, तो मैं मेरी एक्सटेंडेड वारंटी के पैसे वसूल कर ही नहीं पाऊंगा कुल मिला के। और 55-60,000 पे अब आप बोलोगे कि यार कि क्यों नहीं कर पाऊंगा अगर 55,000-60,000 किलोमीटर पे खर्चा आता है, तो क्योंकि टाटा वालों का ऐसा कहना है कि भैया आपकी गाड़ी भले एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर हो, हम क्लच की वारंटी नहीं देंगे 55,000 किलोमीटर के बाद में, भले ही आपकी वारंटी 1,00,000 किलोमीटर की हो चाहे कितने 1,00,000 किलोमीटर की हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, टाइमिंग बढ़ा देंगे हम, किलोमीटर्स बढ़ा देंगे उसको 5 साल या 1,00,000 किलोमीटर कर देंगे, लेकिन हम एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर आपका क्लच 55,000 किलोमीटर के बाद में कवर नहीं करेंगे। अब गाइस वैसे नॉर्मली तो मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो मैं किसी से क्वेश्चन करता हूँ, उनके आंसर लेता रहता हूँ, लेकिन आज नहीं, मेरी सफारी का ओनरशिप रिव्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए पूछने वाला भी मैं हूँ, बताने वाला भी मैं हूँ, तो मेरे साथ कोई पूछने वाला नहीं है, तो एक नई चीज़ आज मेरे लिए है। तो क्या होता है गाइस, इसलिए मुझे कोई सेंस लगा नहीं इसका एक्सटेंडेड वारंटी लेने का, और वैसे भी वो वेस्ट ही जाती होगी, मैं ज़्यादा इसको गाड़ी को चलाने वाला नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी गाड़ी ढूंढूंगा जो तो कोई क्रिस्टा मिल जाए मुझे, भाई सही में मुझे क्रिस्टा से बहुत ज़्यादा प्यार है, पर अब लेने जाओ मार्केट में, मतलब अगर टोयोटा के शोरूम में तो 32,00,000 रुपये की मिलती है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फ्यूचर के हिसाब से अगर अपन देखें तो डीजल एक टाइम में बिल्कुल बंद हो जाएगा भाई, तो इसलिए फिर हाई क्रॉस पे मेरा दिमाग जाता है या फिर फॉर्चुनर पे जाता है, अब फॉर्चुनर का नया मॉडल आने वाला है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती है, इसलिए थोड़ा 1-1.5 साल रुक के एक थोड़ा सा अच्छा खासा बजट बना के फिर देखेंगे कि बढ़िया सी गाड़ी, जब तक ये थोड़ी ठीक ठाक 60,000-65,000 किलोमीटर चल भी जाएगी, और कुल मिला के भाई मैं इस गाड़ी के पैसे भी वसूल कर लूँगा, जितना भी डेप्रिसिएशन मैं झेलूंगा या फिर जितने भी पैसे मुझे मिलेंगे। ओके, तो मैं जो टायर आपको बता रहा था, देखो यहाँ पर जो है ये वाला जो टायर है ना, इस टायर के साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि इसका जो व्हील बेयरिंग हब होता है वो खराब हो गया था, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा बेयरिंग की आवाज़ आ रही थी। इस पार्ट को मंगवाने में कम से कम कंपनी को हफ्ता भर लग गया और 2 दिन उसको चेंज होने में लग गए, तो ऐसी बात नहीं है आपको सडनली इसके पार्ट्स मिल भी जाएंगे आराम से, फ्रीक्वेंटली कंपनी ऑर्डर
लगाती है, उसके बाद में इसके पार्ट्स आते हैं, उसके बाद में काम होता है। तो ऑलमोस्ट टाटा वाले वैसे ही डील है भाई, दो तीन दिन के अंदर गाड़ी सही कर देते। तो मैं उनके सर पे बैठ जाता हूँ, अगर सर पे ना बैठूँ ना तो तीन दिन चार दिन भी आराम से लगाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ भाई, इस गाड़ी को दो साल हो गए, हालांकि ये तो इलेक्ट्रिकल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट वाइट तो खराब होती रहती है, पर इस गाड़ी का एक बल्ब खराब हो गया। ओके, और यहाँ पर देखो गाइस, ये वाला तो आपका बढ़िया से हेलोजन काम कर रहा है, इसके अंदर हेलोजन है प्रोजेक्टर के अंदर, और ये वाला जो है आपका ख़राब हो चुका है। तो ये वाली बात है भाई, हालांकि है ये 80 से 100 रुपए का आफ्टर मार्केट मिल जाएगा, और कंपनी वालों में लगवाऊंगा तो 600-700 रुपए का वो लगाएंगे, पर मैं जो सोच रहा हूँ इसकी लाइट अपग्रेड करा लूँ, क्योंकि यार इसकी लाइट इतनी ज़्यादा पैथेटिक है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ भाई, लो बीम पे तो कुछ दिखेगा नहीं सड़क पे, हाई बीम पे तो सामने से गाड़ी आ रही हो तो भी कुछ नहीं दिखता, मतलब आप ये मान लो बहुत ही मतलब वीक लाइट्स। और इस सेगमेंट में आप एक्सयूवी चलाओगे ना या स्कॉर्पियो चलाओगे भाई, क्रेजी लाइट्स है, क्रेजी लाइट्स, इतनी बढ़िया लाइट है, आपको आफ्टर मार्केट कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका जो टॉप एंड मॉडल अब आने लगा है, जो इसके LED लाइट्स ये लो अब देने लगे कनेक्टेड वाली, ये सब वो काफ़ी बढ़िया अपन को देखने को लगती है, और उसका थ्रो भी काफ़ी गजब का है, लेकिन भाई इन लाइट्स से तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, और मैं अब तो भाई जो है इसका ये बिल्कुल चेंज कराऊंगा ही कराऊंगा। अब भैया टायर की अगर अपन बात करें तो 41,000 किलोमीटर के अंदर इसके ये पहला ही सेट चल रहा है जो कंपनी से आया था, ब्रिजस्टोन इथियोपिया के टायर्स आते हैं इसके अंदर, जो कि ठीक है। हालांकि मैंने टायर का रोटेशन करवा रखा है, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है अलाइनमेंट ख़राब के अंदर थोड़ा सा 2-3,000 किलोमीटर चल गई थी, तो पीछे वाले टायर अगर आप देखोगे तो थोड़े से ज़्यादा कंपैरेटिवली घिसे हुए हैं आगे वाले के कंपैरिजन में। तो हालांकि माल इसके अंदर भी अभी बचा हुआ है कि मतलब आराम से ये जो है 20-25,000 किलोमीटर और ज़्यादा निकाल सकते हैं, क्योंकि आप अगर हाईवे पर चलाओगे तो ब्रेक जो है कम घिस, मतलब अगर बात करें टायर थोड़े कम घिसते हैं, और वहीं पर ही ज़्यादा ब्रेक वगैरह लगाओगे, या फिर अगर आप ऐसी जगह चलाओगे जहाँ पर टर्न वगैरह ज़्यादा हो, गलियों में ज़्यादा चलाओगे, तो समवेयर अराउंड टायर थोड़े ज़्यादा घिसने वाले हैं। बाकी यहाँ पर अगर ओवरऑल बात करें गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स वगैरह की, तो गाड़ी के अंदर भाई कोई पावर की कमी मुझे कहीं पर भी महसूस नहीं होती। स्पोर्ट्स मोड लगाने के बाद तो ये गाड़ी रॉकेट हो जाती है, इतनी रॉकेट हो जाती है कि फिर संभालने में नहीं आती। अगर आप एकदम से इसको खींचोगे तो आपको स्टीयरिंग पकड़ के खींचना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है भाई, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होने का जो है स्टीयरिंग व्हील, अपन को ऐसा फील होता है कि हाँ यार गाड़ी डगमगा जाएगी अगर एक हाथ से अपन ने चलाई। और वही अगर रियर व्हील ड्राइव होती ना भाई ये गाड़ी, तो मैं सही बता रहा हूँ मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में इस इंजन के साथ में, क्योंकि बहुत ही प्यारा इंजन है। हालांकि बस एक इशू है इसका, बस कि वो क्लच हार्ड हो जाता है, बाकी अगर इस इंजन को मेंटेनेंस प्रॉपरली मिल जाए तो भाई ये गाड़ी आराम से जो है काफी बढ़िया फ्रंट टू ड्राइव हो जाए। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा रिलायबल भी साथ ही साथ हो जाए, क्योंकि रिलायबल तो भाई अब ये गाड़ी तो आप भूल ही जाओ, मतलब 3-4 साल के हिसाब से तो बढ़िया है, 5 साल अगर आपने रखी है इसको तो ठीक है, उसके बाद में भाई ज्यादा इससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। फिर अगर अपन बात करें फ्यूल टैंक की, एक सबसे बड़ी मुझे कमी गाड़ी की लगती है इसका फ्यूल टैंक भाई, मात्र 50 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर अपन को देखने को मिलता है। मतलब आप खुद सोचो यार, क्या टाटा वाले मजाक कर रहे हैं क्या, 65 लीटर तो एटलीस्ट यहाँ पर देना चाहिए। मैंने एक 1300 किलोमीटर की ट्रिप करी थी भाई, जहाँ पर मुझे कम से कम 4 बार डीजल डलाना पड़ा, नॉन स्टॉप 1300 किलोमीटर मैं चलने को तैयार था बिना थके, लेकिन गाड़ी को 4 बार जो है डीजल लेने के लिए रोकना पड़ा। और कई बार तो रात को ऐसी सिचुएशन आई कि स्ट्राइक हो गई थी, जब मैं ट्रिप पे निकला, मैंने व्लॉग डाला था उसका, जब स्ट्राइक हो गई थी और डीजल कहीं मिला ही नहीं, तो भाई मतलब वो धक धक जो हो रही थी ना उसके अंदर, बता नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं जैसे अपन इलेक्ट्रिकली बोलते हैं ना रेंज एंग्जाइटी हो जाना या कुछ हो जाना, वैसे इसके साथ अपन को कई बार फील हो जाता है, क्योंकि ये गाड़ी ऑलमोस्ट फुल टैंक के अंदर 550-600 किलोमीटर चलती है, और अगर ऑटोमेटिक हो तो फिर वो 500-550 किलोमीटर गिर जाता है। जैसे मैं ऑटोमेटिक हैरियर कश्मीर लेकर गया था आशीष भैया वाली, तो हम सब दोस्त गए थे, तो हमको एक्स्ट्रा कैन कैरी करने पड़े थे, क्योंकि उस टाइम पे भी भगवान ने पता नहीं ऐसी क्या मेरे साथ वो कर रखी है, जब भी मैं ट्रिप पे निकलता हूँ तो यार पेट्रोल पंप की स्ट्राइक हो जाती है, तो उस टाइम भी हमको एक्स्ट्रा वो लेने पड़े थे। तो ये 50 लीटर यार बहुत ज़्यादा कम है। और यूरिया की अगर अपन बात करें तो यूरिया का जो खर्चा है वो ज़्यादा देखो नहीं है, 5,000 किलोमीटर के अंदर यार 800 रुपये का यूरिया डलता है। अगर आप कंपनी से डलवाओगे तो कंपनी वाले तो बहुत महंगा देते हैं, 1200 रुपये का 5 लीटर, और यहाँ पर मैं ले आता हूँ 800 रुपये के अंदर, बाहर से इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप मिल जाएगा आपको, या BP CL पे मिल जाएगा, बाहर यूरिया बेचने वाले खूब होते हैं, कहीं पर भी मिल जाएगा। तो ये सब पैसे बचाओ और आराम से यूरिया इसका डलवाओ, 5,000 किलोमीटर कहीं पर भी नहीं आराम से चलता है, 5,500 किलोमीटर, ये वाली बात है। एक है सर्विस कॉस्ट कितनी आती है मेरी, तो देखो इस गाड़ी की ऑलमोस्ट जो है 2 मेजर सर्विस हुई है, 15,000 किलोमीटर वाली, 30,000 किलोमीटर वाली। अब 30 के बाद में अब जो है 45,000 किलोमीटर वाली अब होगी, अब उस 45,000 किलोमीटर वाली सर्विस में टाइम है अभी, मतलब अभी थोड़ा सा गाड़ी चल जाए फिर उसके बाद 45,000 किलोमीटर वाली सर्विस अपन करवा लेंगे। उसमें कितना खर्चा आता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि पिछली बार मेरा जो बिल बना था वो 17,000 रुपये का बना था, और देकर अलग में कम आया था, क्योंकि इन्होंने एक पंगा कर दिया था मेरी गाड़ी का। तो ये करा था कि मैंने इनको बोला, ये वाला जो क्रोम आप देख पा रहे हो, तो इस क्रोम के अंदर क्या हुआ था, इसके उधर साइड वाला क्रोम हट गया था, तो मैंने बोला भैया ये क्रोम लगवा दो। उन लोगों ने क्या किया,
ये पूरा पार्ट खोल दिया। मैंने बोला ये पार्ट खोलने की जरूरत है, क्रोम तो चिपकेगा ही तो सही ऊपर, कितने का होगा? मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी वाले 800-900 हज़ार रुपये का दे देंगे, इससे ज़्यादा क्या देंगे। लेकिन भाई साहब इन्होंने तो बोला सर 2500 रुपये का क्रोम है, और क्रोम नहीं वो पूरा पार्ट ही चेंज होगा। मैंने बोला भैया वापस बंद कर दो। और उसने क्या किया, जो लगाने वाला इनका टेक्नीशियन था उसने इसको इधर नॉर्मली छोड़ के चला गया। अब भाई साहब यहाँ पर जो है मेरे आँखों के सामने ये लाइट गिर गई उसके हाथों से। अब आप खुद सोचो भाई, मेरे आँखों के सामने लाइट गिर गई और ये अंदर से लाइट टूट गई, इसका लॉक टूट गया। तो अब मैंने ये तो नहीं बोला कि भाई कि आप इसको पूरा जो है, और चुपचाप लगाने लग गया इग्नोर करके मुझे, मैं वहीं पर ही खड़ा था। अब मैंने मैनेजर को जाके बोला भाई साहब यार ये क्या हरकत है बताओ, मैंने क्रोम लगवाने के लिए बोला आपने तो नुकसान और कर दिया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर कोई सा पार्ट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं बजेगी ऐसे वैसे करके उन्होंने टरका दी बात। मैंने कोई बात नहीं यार, कौन माथा फोड़ी करे। फिर मैं बोला कोई बात नहीं, आप कह रहे ये पार्ट मेरा नुकसान हुआ है, कम से कम इसमें मुझे लेबर वगैरह में ऑफ तो दो। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसे 10-15% का ऑफ दिया था, तो मेरा थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो गया था वहाँ पर। तो ऐसे 17,000 रुपये का बिल बना था। हालांकि 17,000 रुपये का बिल इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है मैं अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ है भाई। 22-23-25 लाख रुपए तक की गाड़ी अपन अगर ले रहे हैं, दो दो तीन तीन गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं तो यार करवा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जेब अपनी है, पैसे अपन ही कमाते हैं। और बिना मतलब हालांकि ये सब ब्रांड्स के अंदर आदत है ये तो, कि कुछ भी जेब देना, अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आपको हर कोई लूटने के लिए बैठा है मार्केट में, सीधी से बात आपको बताऊं। तो ये चीज़ मेरे साथ जब हुई तो कहीं ना कहीं यार 17,000 रुपये का बिल मुझे तो उसका ज़्यादा लगा, क्योंकि यार 12-13,000 रुपये से ज़्यादा का बिल आना ही चाहिए। क्योंकि यार गाड़ी एक व्यापारी की सोच से देखे ना तो वही अच्छी होती है जो बढ़िया माइलेज दे, जेब में हल्की पड़े। तीन मेजर प्रॉब्लम तो मैंने आपकी इसकी बताई। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये देखो कितना आसानी से खुल जाता है। मतलब ये देखो भाई, ये देखो ऐसे आराम से खुल जाता है। कई बार मैं गियर भी थोड़ा सा अगर तेज़ लगा दूंगा ना तो ये जो है इसके लॉक वगैरह खुल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे देख के थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता कि यार ये क्या मतलब मजाक यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर बना रखा है। फिर दूसरी बात ये है कि देखो ये हैंड ब्रेक की आवाज़ सुनो, ये एक तो इतना ज़्यादा हार्ड है, दूसरा इसकी रॉड ऑलमोस्ट आप ये मान लो जब से ली थी ना तब से इसकी रॉड ख़राब थी। और आज कोई 2 साल के बाद में जब मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया, 2 बार मैंने ऑर्डर लगाया, दोनों बार इन्होंने मेरा पार्ट मंगवा के नहीं दिया, मेरे पास फ़ोन कंपनी से नहीं आया। तीसरी बार जब मैंने ऑर्डर लगाया तो मैं इनसे इनवॉइस ले आया कि हाँ भाई सबूत हो मेरे पास कि मैंने ऑर्डर लगा रखा है, और ऑर्डर आ भी गया होगा ना इनके पास तो भी इन्होंने मुझे वापस से कॉल नहीं किया इनवॉइस लिखवाने के बाद भी। मतलब आप खुद सोचो भाई, मैंने उनको बुलाया मेरी वारंटी एक्सपायर होने वाले भैया आप तो कम से कम करा के दो मुझे हैंड ब्रेक का, मैं परेशान हो गया आवाज़ के अंदर। तो उन्होंने बोला ठीक है सर करवाते हैं। मैंने इनवॉइस लिखवा दिया, उनसे सब कर दिया, उसके बाद भी भाई पार्ट नहीं आया। फिर मैंने उनको फ़ोन कर करके उनसे पार्ट मंगवाया, फिर चेंज करवाया। तो ये सारी चीज़ें जब मेरी सही हुई। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, जैसे फिट एंड फिनिश की इस गाड़ी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जंग लगने की प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो यहाँ पर, जैसे अगर मैं बूट ओपन करके दिखाऊंगा ना आपको तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये जंग लगने की है, ये देखो यहाँ से थोड़ी थोड़ी जंग लग रही है। तो मतलब ऐसे कई जगह आपको ऐसी मिल जाएगी जहाँ पर आपको जंग लगने की इसके अंदर शिकायत महसूस हो सकती है। बाकी मैंने ये वाले पार्ट जो है चेंज करवाए थे, हालांकि फ्रंट डोर के उन्होंने करे, रियर डोर का उन्होंने करा ही नहीं। तो देखो ये जो यहाँ से ये निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है। तो ऐसे फिट एंड फिनिश की इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा कमी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा देख के सब बुरा सा लगता है। बाकी अगर अपन बात करें, थोड़ी सी चलते हुए बात करते हैं, बाकी भाई कभी भी कोई गाड़ी लेनी हो ना आपको तो उसके सर्विस सेंटर जाके देख लेना चाहिए कि कैसा क्या रिस्पांस है। अभी तक जिन लोगों के पास भी MG है ना, और मैंने उनसे जिनसे भी रिव्यू लिया है, सब लोग MG की तारीफ करते हैं। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हालांकि मुझे हेक्टर इतनी ज़्यादा कोई पसंद नहीं, क्योंकि यार मैं इतने पैसे देने के बाद भी फाइव सीटर गाड़ी हो गई, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है, मेरी रिक्वायरमेंट 7 सीटर की रहती है, और उसका 6 सीटर का जो वर्जन आता है MG हेक्टर प्लस, वो तो किसी मतलब का नहीं है। लेकिन हाँ सर्विस के लिए हर एक बंदा उसकी तारीफ करता है भाई, कि सर्विस बहुत प्यारी है MG की। अगर महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा की XUV की डिज़ाइन अच्छी लगती है, उसकी रीसेल ऑब्वियसली बात अच्छी है। ऐसा नहीं है XUV 700 में प्रॉब्लम नहीं आई है, स्कॉर्पियो में प्रॉब्लम नहीं आई। स्कॉर्पियो तो फिर भी मुझे कोई, देखो स्कॉर्पियो N की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती कि यार उसको मैं इतने पैसे दे दूँ। हालांकि XUV बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और XUV के अंदर जब मैं बैठता हूँ तो बहुत प्रीमियम फील होता ही है, नो डाउट। पर वहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि XUV के साथ क्या है, देखो फ्यूल टैंक भी उसका अच्छा है, बड़ा है, नो डाउट प्रीमियम फील होता है, ऑटोमेटिक भी उसका अच्छा है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको लेनी है सफारी तो ऑटोमेटिक में लो, इसके अंदर Hyundai का Hyundai सोज ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स आता है। अब वो गेयरबॉक्स तो भाई बढ़िया है, नो डाउट, लेकिन अगर आप Tucson का जिसके अंदर वो ओरिजिनल गेयरबॉक्स आता है, अगर आप वो चलाओगे ना तो भाई उसके तो मतलब फील ही अलग है, चुम्बेश्वर गेयरबॉक्स है वो। लेकिन अगर सफारी के अंदर चलाओगे तो हाँ कंपेरेटिवली आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई थोड़ी बहुत आपको कॉस्ट कटिंग वाली फील डेफिनेटली आने वाली है। हालांकि XUV मेरे पास बहुत अच्छी चॉइस है, पर जिस टाइम पे मैं XUV देख रहा था उस टाइम पे यार वेटिंग ही उनका कोई कमिटमेंट नहीं था महिंद्रा वालों का
कब देंगे कब नहीं देंगे। दूसरा मैं मेरा बजट जो था वो AX5 के लिए अलाउ कर रहा था, और AX5 अगर मैं लेता तो कहीं ना कहीं जो है उसमें क्रूज कंट्रोल नहीं था, चाबी से स्टार्ट करनी पड़ती, पुश बटन स्टार्ट नहीं था, कई ऐसे ऐसे फीचर्स थे उसके अंदर जैसे मिसिंग थे, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोई सेंस नहीं लेने का। AX7 उसका थोड़ा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट भी अगर आप कहना चाहो कह सकते हो, जिसमें उस हिसाब के फीचर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इतने महंगे पैसे लगाने के बाद, इतने ज्यादा पैसे लगाने के बाद भी एक गाड़ी से जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं वो अपन को उसमें मिल जाएगा। दूसरा एक बहुत वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन था मेरे पास अल्काज़ार का, लेकिन डीजल के अंदर बहुत ही ज्यादा अंडर पावर है, क्रेटा वाला पावर है, क्रेटा वाला इंजन है, मतलब 1.5 लीटर का, अगर उसको पेट्रोल में लो तो 2 लीटर का इंजन मिलता है जो 160 पीएस की पावर जनरेट करता है, जो उस सेगमेंट की गाड़ी के लिए काफी बढ़िया पावरफुल इंजन हो जाता है। लेकिन अपन को लेनी थी डीजल, इसलिए उसको थोड़ी सी अंडर पावर लगी और थोड़ी छोटी भी लगी, उसमें इतनी स्पेस नहीं थी यार, इतना फील नहीं आता कि अपन एक एसयूवी चला रहे हैं, ये वाली बात है। तो ये वाली बात है, नो प्रॉब्लम, मतलब इस गाड़ी के साथ, मतलब मेरा ऐसा है कि ठीक है 2-3 साल की रख ली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब बेचूंगा इतने पैसे नहीं मिलेंगे, सर्विस को इतनी खास है नहीं, और मेजर इश्यूज मुझे इसमें जो फील होते रहे हैं वो मैंने आपसे शेयर करे ही करे। और अब जो है इसकी वारंटी वॉइड हो चुकी है, वारंटी खत्म हो चुकी है इसकी, और अब जो आने वाले टाइम है, क्योंकि भाई अगर किसी गाड़ी को नई नई लेने के बाद ही उसके अंदर इतने सारे इश्यूज आ सकते हैं, डेफिनेटली आफ्टर 2 ईयर्स उसके अंदर और ज्यादा इश्यूज अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इस गाड़ी से पूरा पीस ऑफ माइंड जो है बैठा हुआ हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे टोयोटा ले ली एक बार पहले, मतलब महंगी टोयोटा जरूर थी उस टाइम पे, ले लेता तो कहीं ना कहीं ऐसा होता कि यार चलो ठीक है एक बार के लिए रहूंगा, ये महंगी में ले ली, लेकिन उसके बाद कोई जब 4-5 साल भी गाड़ी कोई खर्चा नहीं मांगे, मजे ही मजे, आदमी का एकदम पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी हो, तब आता है भाई मजा। जैसे आज इस गाड़ी का इंश्योरेंस कराऊंगा, अभी कल इंश्योरेंस कराऊंगा, तो इंश्योरेंस भी मतलब 20-25 हज़ार रुपये के आसपास का इंश्योरेंस है इसका, जीरो डेप का, और फिर अभी एक्सटेंड वारंटी लेता हूँ 30 हज़ार रुपये लग जाता है। तो मतलब ऐसे करके यार ये सब चीज़ें क्या, गाड़ी साथ खर्चे आते ही रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आज के टाइम पे कोई गाड़ी लेना चाहता है तो मैंने आपको बता दिया बातों में कौन सी गाड़ी आप ले सकते हो, या फिर थोड़ा सा पैसा खर्च करो, अगर बजट अलाउ कर रहा है तो आँख बंद करके इनोवा ही ले आओ यार, फीचर्स वगैरह तो खैर मोमा है एक अलग चीज़ है।